जो जैसे कि भाई लोग तुमको पता है, इसके पहले ना मेरी गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, मीटर प्रॉब्लम, तो अभी वो थोड़ा सा सॉल्व हो गया है। क्योंकि भैया को मैंने मैसेज करा था कि भैया हमारा जो मीटर है वो आया क्या, तो उन्होंने बताया कि मीटर आ गया है। तो अभी क्या करना है, अभी चलते हैं मीटर को लाने के लिए। अभी तो कल आया था मैसेज, मतलब कल पूछा था मैंने, शाम हो गया था, नहीं तो कल ही चल जाते हैं। तो आज चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं भाई शोरूम में। क्या रे भीख मंगिया, क्या दिख रहा है? Women. इतना सुकून। मैं आ चुके हैं, अभी मेरी गाड़ी का वर्क चल रहा है। ओब्वियसली बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, पर यार मैं एक गलती, मतलब मेरे साथ ऐसा करते हैं लोग, मैं जब भी जितने बार भी उनके पास जा रहा हूँ ना, तो मेरे को यहाँ वेटिंग रूम में बैठाने लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बैठे हैं ना आपसे भैया, वैसे बैठो बोलते, हमारा काम होगा हम तुमको बुला लेंगे बोलते। अभी तो हम तुमको काम दिखा देते वैसे। भैया वेटिंग रूम से उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है बोलना, फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है। वो भैया लगा रहे हैं, भैया फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मीटर दूसरा वाला लगा कर चेक कर लिए उन्होंने, वो तो रहा था ऐसे काम। एक और राइडर आ गया भाई, एक नंबर पीले। तो भाई लोग यार, मैं अभी जस्ट शोरूम से बाहर निकला हूँ, ठीक है, और ना मैंने अपनी गाड़ी का जो सर्विसिंग होता है वो करवा लिया। सॉरी सर्विस नहीं करवाया यार भाई, मैंने मीटर डलवा लिया। मैं थोड़ा जल्दी में चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है, अभी होता क्या है, अभी जो मीटर की परफॉर्मेंस है एक नंबर हो गई है। अभी मैंने एवरेज भी थोड़ा सा डिसाइड किया, जब मैं आ रहा था ना चलते चलते, तो एवरेज भी एकदम ठीक हो गया और गाड़ी चलने में भी स्मूथ आ गई है। जैसे मेरे पहले चलती थी ना वैसे, मेरे को पहले करवा लेना था पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस पर। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तुमको ना गाड़ी का मीटर दिखाता है। तो भाई ये है मीटर, ठीक है, तभी लगा है अपना भी। इसका जो गियरिंग है शिफ्टिंग वो भी ठीक हो गया है। देखो मैं अभी गियर शिफ्ट करके दिखा रहा तुमको, हो रहा है, मतलब ये हो गया ठीक, ये हो गया न्यूट्रल। फिर इसके बाद
अगर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे हो गया, गेट ही हो गया इसका, वो टाइमिंग तो ठीक कर सकते थे। और अब देखो इको मोड चालू हो गया, जो मेरा सबसे मेन प्रॉब्लम था इको मोड का, वो हो गया चालू। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, ये है अपना पावर मोड, इको मोड, ठीक है। अभी पावर पे करता हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिक पावर पे आ जाएगी, आ गई। अब करता हूँ इसको इको पे, तो इको पे आ गई, ठीक है। क्योंकि ना गाड़ी, मतलब जो गाड़ी है ना, वो एकदम सही हो रही है, ठीक चल रही है, और एवरेज भी एकदम अच्छा वाला, तगड़ा वाला निकाल के दे रही है, तो अच्छा लगता है ना। तो भाई ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।